पाकिस्तान में कोरोना वायरस के दर्जनों नए केस रिपोर्ट, मजमूई तादाद 448 हो गई। रावलपिंडी में भी पहला केस सामने आ गया। पंजाब में मुतासरीन की तादाद 80, बलूचिस्तान में 81, खैबर पख्तूनख्वा में 23 तक जा पहुंची। जफर मिर्जा कहते हैं शोबा तिब में तआवुन के लिए पाकिस्तान और चीन में बातचीत जारी है। चंद रोज में चीनी माहिरीन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स की मदद शुरू कर देंगे। कोरोना वायरस का फैलाव संगीन सूरत अख्तियार कर गया। कराची में वायरस की एक से दूसरे इंसान में मुंतकिली में खतरनाक हद तक इजाफा। शहर में मजीद 28 अफराद में कोरोना की तशखीस, मुतासरीन की तादाद 93 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 245 तक जा पहुंची। 151 मुतासर अफराद तफ्तान बॉर्डर से सखर करंटीना मरकज आए थे। कराची में 2 और हैदराबाद में 1 मरीज सेहतयाब हो चुका। पंजाब में 384 में से 320 अफराद के कोरोना टेस्ट मनफी आए। यास्मीन राशिद कहती हैं मनफी और मुस्बत वालों को अलग अलग कर दिया। कोरोना टेस्ट की कीमत 7,900 रुपए है, हुकूमत फ्री कर रही है। लोग घरों में रहें, हर रोज सूरत हाल नई होगी। ये ना हो कि लॉकडाउन करना पड़े, इसका सबको नुकसान होगा। अगले हफ्ते बैरून मुल्क से मजीद 5,000 लोग आएंगे, जिनमें जायरीन और तलबा भी होंगे। अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह मुतहरिक है, कोरोना से निमटने के लिए मेडिकल प्लान ऑफ एक्शन तैयार। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है मुसल्लह अफवाज सिविल इदारों से मिलकर आवाम की मदद के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशन को हर मुमकिन इकदाम की हिदायत की। फिरदौस आशिक अवान बोली कोरोना वायरस की बिना पर बैरून मुल्क से तरसीलात जर मुतासर होंगी। पाकिस्तान में गजा की कोई किल्लत नहीं। कोरोना वायरस के पेश नज़र 6 ट्रेनें बंद। खुशहाल खटक, अकबर एक्सप्रेस, सिंध एक्सप्रेस शामिल। रावियर एक्सप्रेस, शाह लतीफ एक्सप्रेस और रोही ट्रेन भी बंद। मजीद 6 ट्रेनें 22 मार्च से बंद होंगी। शेख रशीद कहते हैं ज़रूरत हुई तो मजीद ट्रेनें बंद करेंगे। ट्रेनों की सफाई करने जा रहे हैं, मुसाफिरों की स्कैनिंग भी कर रहे हैं। वजीर रेलवे ने ट्रेनें बंद करने से पहले वजीर आजम को एतमाद में लिया। कोरोना का फैलाव रोकने की कोशिशें, पंजाब में घरों और निजी मकामात पर तकरीबात पर भी पाबंदी। जिम और स्नोकर क्लब भी 4 अप्रैल तक बंद करा दिए गए। सिर्फ अहम महकमों के जरूरी मुलाजिम ही दफातर में आएंगे। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब और सिंध के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। बलोचिस्तान हुकूमत का भी आवामी ट्रांसपोर्ट को रोकने का फैसला। कोरोना वायरस का खतरा, बिलावल का मुल्क भर में लॉकडाउन का मुतालबा। कहते हैं कोरोना बड़ा मसला है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। ये वक्त वजीर आजम पर तनकीद का नहीं। वजीर आजम की तकरीर में कोरोना वायरस से निमटने के लिए इकदामात का जिक्र नहीं था। वफाकी हुकूमत पर अहम जिम्मेदारियां हैं, वो सोच तब्दील और सूबों की मदद करे। कोरोना वायरस का फैलाव, सिंध हुकूमत गरीबों में राशन के 20 लाख थैले बांटेगी। कारोबार की बंदिश के बायस दिहाड़ीदारों को इमदाद की फराहमी पर भी गौर। कराची एक्सपो सेंटर में 10,000 बिस्तरों का अस्पताल बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने कोरोना एमरजेंसी सेल के लिए 10 मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसर्स की खिदमात हासिल कर ली। कोरोना वायरस के पेश नज़र बलूचिस्तान हुकूमत ने भी हेल्थ एमरजेंसी नाफज कर दी। महकमा सेहत के तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख। वजीर आला जाम कमाल कहते हैं PCSIR में 358 लोगों के टेस्ट किए गए, 60 के नतायज मुस्बत आए। वायरस के मामले पर कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। अदालतों को बंद ना करने का फैसला।
ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया कि आवाम के अदलिया पर एतमाद को टूटने नहीं दिया जाएगा। अदालतों में अहम नोयत के केसेस की समाअत होगी। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान हालात के पेश नज़र अपने फैसले खुद करने के मुजाज होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फोकल पर्सन मुकर्रर। खतरनाक कोरोना वायरस, मजीद 1000 से जायद जिंदगियां निगल गया। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 10,000 से तजावज कर गई। 2,41,000 अफराद मुतासर। इटली में मजीद 427, स्पेन 193, ईरान 149, फ्रांस में 108 अमवात। बरतानिया में 40, अमरीका 37, नीदरलैंड 18, जर्मनी में 16 मरीजों ने दम तोड़ा। मोनाको के शहजादा अल्बर्ट भी कोरोना वायरस की तशखीस के बाद। कोरोना वायरस के बाद 39 अमरीकी रियासतों में स्कूल बंद। अमरीका ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी। अपने शहरियों को बैन-अल-क़वामी सफर से रोक दिया। बैरूने ममालिक में मौजूद अमरीकियों को भी वापस पहुंचने की हिदायत। उधर बरतानिया ने वायरस से निपटने के लिए नया एमरजेंसी कानून मुतारिफ करा दिया। किसी भी शख्स को कोरोना के शोबे में 6 हफ्ते तक हिरासत में रखा जाएगा। लंदन में तालीमी इदारे और मसाजिद भी बंद। कोरोना वायरस के इलाज में अहम पेशरफ्त। अमरीकी इदारे FDA ने क्लोरोक्विन दवा की मंजूरी दे दी। फैसले का ऐलान अमरीकी सदर और FDA हुकाम ने किया। क्लोरोक्विन माजी में मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल होती रही। अमरीकी हुकूमत ने $50 अरब का इमदादी पैकेज भी मंजूर कर लिया। उधर जर्मनी की कोरोना वायरस से निपटने के लिए फौज को मैदान में उतारने की तैयारी। कोरोना वायरस का फैलाव हरमैन शरीफैन के सिवा सऊदी अरब की किसी मस्जिद में आज नमाज जुम्मा अदा नहीं की जाएगी। सऊदी वजारत इस्लामी उमूर के मुताबिक आज जुम्मे के दिन सिर्फ जोहर की अजान दी जाएगी। लोग अपने घरों में नमाज जोहर अदा करेंगे। सिर्फ हरमैन शरीफैन में नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से जुम्मा और बाद जमात नमाज मुअत्तल करने का फतवा दिया गया था। गुरबत की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत का 1,000 अरब के इजाफी टैक्स वसूल करने का प्लान तैयार। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट स्ट्रेटजी पेपर मंजूर कर लिया। आइंदा माली साल के बजट में मौजूदा माली साल के मुकाबले में 8.5% इजाफा। आइंदा माली साल के बजट का मजमू हजम 7.6 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़।